चंद्रपुर से एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर पुलिस विभाग से है। चंद्रपुर जिले के सीमा पर बसे राजौरा पुलिस स्टेशन के कुछ जवानों ने शराब तस्करी के आरोपी से पैसों की लेन देन करने का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद शराबबंदी वाले चंद्रपुर जिले के जिला पुलिस की खाकी एक बार फिर दागदार हो गई है। शराबबंदी वाले चंद्रपुर जिले में खबरें तो आए दिन वायरल हो जाती है, जिससे पुलिस और शराब तस्करों के बीच काफी मीठे संबंध होने की जानकारी होती है, लेकिन कोई सबूत ना होने से पुलिस वालों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। दिवाली के पूर्व संध्या को जिले के नागभीड़ पुलिस थाने में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर छत्रपति चिड़े की शराब तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद बड़े ही भावुक अंदाज में जिला पुलिस कप्तान ने गोली चलाने का आदेश दिया था। पता नहीं आखिर वो आदेश कहां गुम हो गया, या फिर बस वो जुमला था, ये समझ से परे है। चिड़े हत्याकांड के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस विभाग के ही कुछ नामचीन अधिकारी समेत पुलिस कर्मचारी ही शराब तस्करों के सीपे सलार बन बैठे थे। इस घटना के बाद लगा था कि पुलिस और शराब तस्करों के बीच के मीठे संबंध अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन बल्लाशाह पुलिस थाने में तैनात एक अधिकारी का ऑडियो वायरल हो चुका था, जिसमें खुलेआम वो अधिकारी शराब तस्कर से पैसों की मांग कर रहा था। जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर महेश्वर रेड्डी को जब उस वायरल हुए ऑडियो क्लिप की जानकारी मिली तो उस अधिकारी का उसी वक्त तबादला कर दिया गया। लेकिन अब एक और ऑडियो वायरल हो गया है। वायरल हो रही ऑडियो क्लिप ये राजौरा पुलिस थाने की होने की जानकारी आ रही है। ऑडियो क्लिप में हुए संवाद की माने तो 11 फरवरी की तड़के एक शराब तस्कर को उसके गाड़ी के साथ पकड़ा था, लेकिन गाड़ी और आरोपी को फरार करने के एवज में शराब तस्कर से पैसों की मांग की गई थी। कबूल किया, मैं बोला दे देता, बोला कबूल नहीं करा, पूछ लेना भाव से कबूल कराऊंगा। अब तो बोलना ही पड़ेगा ना, मुसीबत में निकलना है तो वहां से बोलना ही पड़ेगा। रात में रहती देख, हाँ। जो भी है करके तू दे रहा, नहीं तो नहीं देता, सीधी बात बोल। अरे अपने कैसे लपड़े में गिरना ही नहीं ना दादा, मेरी बात सुनने यार, तू मानता ही नहीं। मेरी बात माना कर पाए कभी कभी, मैं गलत नहीं बोलूंगा। सही हो गया, जान दे छोड़, हो गया हो गया। मैं क्या बोल रहा, डायरेक्ट 1 लाख रुपए देता एक पेटी, पूरा जड़ी छटा देगा, वही समझते कुछ भी नहीं होता। अबे हो जाते बिल का खेल, अरे मेरे को नहीं होना चाहिए। जान जान चल आजीज बात करें, ये इंसान को जैसी बात करा और इधर कम जैसे रहा। हां जबकि दे दिए इसमें, नहीं नहीं कुछ, वो अभी उनका काम ही है पकड़ने का। वो तो है, वो कैसा है, वो नहीं पकड़ते दूसरा और पकड़ता तो सही बात है। नहीं भाई अपना ये देख मेरी बात, सस्ते में निपट गया, निपटा डालने का मौका लगा, कुछ नहीं हो जाती फिर तेरी कहीं शर्म, तेरे पास एक भी गुना नहीं है। नहीं मतलब कैसे लोगों को पैसे कर दूंगा, पैसे दी तो कोर्ट तो नहीं लगा। दस बस 10,000 में तेरी बेल, 10 भी काटे लगते, 5,000 में तेरी बेल होती। खाली 2 पेटी तो डाल रही है, 10 गाड़ी भी नहीं डाल रही अभी तेरी। गाड़ी अगर डालते थे तेरे को बताता हूँ, ये तेरी गाड़ी के डालते ना, ये गाड़ी की कीमत 90,000 रुपए लगाई, 2 पेटी के 10,000 रुपए, 20,000, 1 लाख के ऊपर हो गया माल, तेरी बिल भी कैंसिल हो जाती सीधी बात। वो लिखना हम पे है ना, हमें थोड़ा गांव में ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना, कवर करना पड़ेगा ना मेरे को, जो ट्रिप मार दे रहे थे गांव में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार तू बिल जब निकालेगा, बिल तो डालेगा इसको आज कल परसों कभी भी डालेंगे, डाल देना बिल आके जमा कर देने का, अपने कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ेगा ना बाबा, वकील तो वकील के थ्रू बिल निकालना पड़ेगा। नहीं जी नहीं, तो फिर इधर कोर्ट में जमा होना पड़ता है, कोर्ट में कैसे जमा नहीं होना पड़ता ना, इंटरसेप्ट के वास्ते। ठीक है, तेरे को वकील बता दे, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कुछ करा नहीं ना, फालतू काम अपन करते हैं, वो अपने को जमता नहीं। नहीं बात कैसी रहती है, भरोसे भरोसे की बात नहीं है, मैं एड़े गामा कर दूं, भरोसे की बात नहीं है, सीधा सीधा बोलता हूँ मैं, गलत मैं, मेरे को घुमा के मारे के बोलने की बात नहीं है दादा। करके मैं आया ना, भाव बोलता था पैसे लेके आ रहा हूँ, कितने रुपए लाऊं, गरुड़े भाव बोलो, विशाल भाव बोलो, बोलता था। अपने को गंदी आदत है ही नहीं, चलो बाकी तुम्हारे को पैसे पैसे भी मैं इनको हैंड ओवर नहीं देता, तो बालाजी भाव को दूंगा, बालाजी भी तुम उनको देना, कभी देना क्या देना मेरे को नहीं बताना, मैं तुम्हारे को अभी बोले तो अभी देता पैसा, सवेरे बोलते सवेरे तुम्हारे जैसा बढ़ता बोलते।
गाड़ी के अभी लाया नहीं तो वही बात करने आया ना मैं, तुम आओ बोले ना डायरेक्ट। हाँ तो 25 लाख देना गाड़ी। हमारे पास आ रही जानकारी की माने तो राजुरा पुलिस थाने में ऑडियो क्लिप में हुए वार्तालाप के मुताबिक ही 13 फरवरी को एफआईआर फाड़ी गई है, जिसमें 2 बक्से शराब दिखाई गई है। साथ ही आरोपी को फरार बताया गया है और तो और गाड़ी का कहीं उल्लेख भी नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो यह कार्रवाई गोपीनाथ नरोटे, दत्ता नागरे, विशाल हुड नामक पुलिस कर्मचारियों ने की थी और शराब तस्कर से डील भी। अब आप ही सोचिए, जब समाज की सुरक्षा करने वाले ही पैसों के आगे खाकी को गिरवी रखते हो, वहां समाज की रक्षा कैसे होगी। इस संदर्भ में हमने जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर महेश्वर रेड्डी से फोन पर जानकारी जुटाने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस कप्तान ने इसकी जानकारी ना होने की बात कही। टीम BL24 न्यूज़।